पवित्र नगरी मुलताई में बुधवार को ग्राम बगोरा के किसानों ने बार बार ट्रांसफर जलने के चलते बिजली के अभाव में सिंचाई न होने के कारण फसल का हो रहे नुकसान को लेकर तहसीलदार कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से किसानों ने बताया है कि ग्राम बगोड़ा में 100 हाउस पावर का ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, किंतु विद्युत विभाग द्वारा उक्त ट्रांसफार्मर से क्षमता से अधिक अस्थायी विद्युत कनेक्शन बांटे गए हैं, जिसके चलते बार बार ट्रांसफार्मर में जलने की समस्या आती है। इसके कारण बिजली उपलब्ध न होने के चलते किसान खेतों में सिंचाई नहीं कर पाते हैं, वह साथ ही साथ फसल सींचने में उनको कई प्रकार की परेशानियां आती है। ज्ञापन में बताया गया है कि समस्या को लेकर किसानों ने कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों को आवेदन भी दिया है तथा मोबाइल के माध्यम से उनसे चर्चा भी की है, लेकिन विद्युत विभाग द्वारा समस्या के निराकरण के लिए कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया है। देखिए खास रिपोर्ट आईबीएन 24 न्यूज पर अनिश नायर के साथ। आज जो आप लोगों ने ज्ञापन सौंपा इस विषय में बताइए। इस विषय में ये है कि जो पूरे काश्तकार है बगोड़ा के, जो कर्णपुर की जो डीपी है पर्सनल, अभी 15-20 दिन से बंद पड़ी है। सुपर 28 दिन हो गए शायद, 28 दिन हो गए, और सुपरवाइजर को भी कई बार इसमें अवगत कराया, एमडी को भी अवगत कराया, यानी पूरे हम परेशान हो गए काश्तकार लोग। और ये क्षेत्र में क्या है, 12वें महीने में पानी एंड हो जाता और एक महीने से यानी टोटल फसल सूख रही इसमें। अभी दिक्कत क्या आ रही है आप लोग? दिक्कत क्या है, एक ट्रांसफार्मर चेंज किया, फिर दूसरा क्या है, फिर तीसरा क्या, एक भी ट्रांसफार्मर नहीं चल रहा है इसमें। एक दिन चलता और बंद रह जाता, एक दिन चलता बंद हो जाता। आपने बिजली विभाग के अधिकारियों से बात? हाँ, पूरे अधिकारियों को बताया हमने, उनसे अवगत किया, करवाया, आज करते कल करते वो कोई समस्या हल नहीं हो रही। वो जाते और बस एक दिन डीपी चलाई वापस, एक दिन वो डीपी चलाते वापस आ जाए। डीपी 200 का लोड ले रही, तो आप लोग क्या चाहते हैं? दो ट्रांसफार्मर यहाँ पे बैठ जाएंगे तो पूरी समस्या हल हो जाएंगी। दो डीपी का वोल्टेज ही है ना, लोड है उस पर 100-100 की 2 डीपी होना।